हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 4 एंड 4 प्रो के बारे में, जो कि चाइना में पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं और ये इंडिया में भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, बात करें इनकी स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, लेज़र ऑटो फोकस का सपोर्ट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का 5G चिपसेट, 65 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जर का सपोर्ट। और अगर हम बात करें इसके बैक डिज़ाइन की तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको रेनो ग्लो डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो कि स्क्रैच प्रूफ रहने वाला है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनकी कंफर्म स्पेसिफिकेशंस, प्राइस रेंज के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात करें इनकी डिस्प्ले को लेकर, तो ओप्पो रेनो 4 में आपको 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ ओप्पो रेनो 4 में आपको 6.5 इंचेस की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें इनके कैमरा सेटअप को लेकर, तो ओप्पो रेनो 4 एंड 4 प्रो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा बैक साइड में, जो कि वर्टिकली अलाइंड रहने वाला है। ओप्पो रेनो 4 में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मोनोपोरमिक लेंस देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ लेज़र ऑटो फोकस का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ ओप्पो रेनो 4 प्रो में भी आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ लेज़र ऑटो फोकस का एक एक्स्ट्रा सेंसर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इनके फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो ओप्पो रेनो 4 में आपको सिंगल पंच होल डिज़ाइन सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 32 मेगापिक्सल का होने वाला है। इसी के साथ ओप्पो रेनो 4 प्रो में आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि 32 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर के साथ आता है। और इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको बेटर कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 4000 मिली एम्पायर की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, जिसमें कि 65 वॉट के सुपर वूक फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके कुछ अदर फीचर्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm हेडफोन जैक, एंड्रॉयड 10 के साथ कलर OS 7.0 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इनकी प्राइसिंग को लेकर, तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। ओप्पो रेनो 4 8GB एंड 128GB आपको देखने को मिलेगा 32,000 के अराउंड। इसी का 8GB 256GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 35,000 के अराउंड। अगर हम बात करें इसके प्रो वेरिएंट को लेकर, तो इसमें भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 8GB 128GB 40,000 के अराउंड एंड 12GB 256GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 45,000 के अराउंड। सो गाइज, अगर आप इस प्राइस रेंज में इन दोनों स्मार्टफोन्स में से किसी स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।